भाइयों, इस दुनिया में से कई सारे लोग हैं जो अत्यधिक हस्तमैथुन करके अपने ही शरीर को कमजोर करते रहते हैं। वे अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते रहते हैं और फिर बाद में रोते रहते हैं। लेकिन भाइयों, वीर्य रक्षा करके आप अपने इस कमजोर शरीर को फिर से बलवान कर सकते हो, पुरानी गलतियों को सुधार सकते हो और खुद को बेहतर बना सकते हो। इसके लिए आपको कुछ चीजें करनी होगी। नंबर वन, मन को शांत करें, मन को शुद्ध करें। लंबे समय तक पॉर्न और अश्लील तरह की चीजें देखने से हमारे मन में वासना भर जाती है और जिससे हमें हर एक चीज में अश्लीलता दिखने लगती है। और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने मन को साफ रखें, आप अपने मन को शुद्ध करें। नंबर टू, नसों को मजबूत करें। अगर आपकी नसें मजबूत नहीं है तो आप चाहकर भी वीर्य रक्षा नहीं कर पाओगे। वीर्य खुद ब खुद ही नाइट फॉल के जरिए बाहर आ जाएगा। नसों को मजबूत करने के लिए आपको प्रतिदिन एक्सरसाइज करने होंगे। नंबर थ्री, हर रोज पसीना बहाएं। अगर आप अपने वीर्य नाश की भरपाई करना चाहते हो, खुद को मजबूत बनाना चाहते हो, तो आपको हर रोज कम से कम एक घंटा दबाकर एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि खूब सारा पसीना बाहर निकले। नंबर फोर, संतुलित आहार ले। अगर आप वीर्य नाश को भरपाई करना चाहते हो तो आपको खाना भी दबाकर खाना होगा, जैसे कि बादाम, काजू, काले चने, मूंगफली की गिरी, मूंग, अंजीर, खोपड़ा खाते रहना चाहिए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको अपनी वासना से और अश्लील विचारों से दूरी बना लेना चाहिए। एक बात बताना तो भूल ही गया, जब आप 100 किलो खाना खाते हो, कितने 100 केजी खाना खाते हो, ये 100 केजी खाना 40 दिन में खाओ या 50 दिन में खाओ, इतना सारा खाना खाने के बाद मात्र 1 लीटर खून बनता है। सोचो, 100 किलो खाना खाने के बाद 1 लीटर खून बनता है और इतना सारा खून से मात्र 15 से 20 ग्राम वीर्य बनता है, यानी कि सेमेन, या आप फिर जिसे एनर्जी कहते हो। सोचो, उस 1 लीटर खून से सिर्फ 15 से 20 ग्राम वीर्य बनता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि एक बार हस्तमैथुन करने से आपका कितना सारा नुकसान होता होगा। यानी कि आप एक बार गलत काम करते हो तो उसके बदले आप अपना 15 से 20 ग्राम यानी कि 1 लीटर खून अपना 50 दिन खाया हुआ खाना बर्बाद कर रहे हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने ब्रह्मचारी को बार बार बीच में छोड़कर अपना जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। जब आप ब्रह्मचारी को हमेशा के लिए संभालने लगोगे और फिर आपको इसके फायदे कुछ ही दिनों में दिखने को मिलने लगेगा। अब बात करते हैं कि आखिर कितने दिनों में ब्रह्मचर्य का असर दिखता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसे पूरे 45 दिन लगते हैं वीर्य में परिवर्तन होने में, और जब आप लगातार 45 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आप अपने आप में एक अलग लेवल की एनर्जी महसूस करना शुरू कर दोगे। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आप लगातार 45 दिन तक अपने ब्रह्मचर्य को अच्छे से विदाउट मास्टरबेशन संभाल लेते हो और फिर उसके 45 दिन बाद, इट मीन्स पूरे 90 दिन बाद, आप अपने आप में 100% बदलाव देखना शुरू कर दोगे। चेहरे पे एक अलग चमक होगी, अंदर से एक अलग खुशी मिलेगी। अगर आप सच में ब्रह्मचारी की शक्ति देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको कम से कम 90 दिन तक अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। पता नहीं आप 90 दिन तक कंट्रोल कर पाओगे या नहीं, लेकिन जो इंसान अपने जीवन को बदलना चाहता है वो 90 दिन के पूरे जीवन भर ब्रह्मचारी का पालन कर सकता है। जो इंसान अपने पूरे जिंदगी को बदलना चाहता है वो 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन तो करेगा ही करेगा, उसके बाद इसके फायदे देखकर अपने आप को ब्रह्मचर्य से हमेशा के लिए जोड़ लेगा। दोस्तों, ब्रह्मचर्य में इतनी शक्ति है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। आपने जितने भी ऋषि मुनियों या महान लोगों का नाम सुना होगा, वो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। क्या आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो? क्या आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करके उन लोगों के जैसे शक्तिशाली बनना चाहते हो? तो आज ही प्रण लो कि मैं 90 दिन का चैलेंज पूरा करके रहूंगा। और जो भी भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है वो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। हम आपसे जल्दी मिलेंगे एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।